कानपुर के बर्रा थाना इलाके में दबंगों की दबंगई आई सामने। दबंगों पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराना युवती को पड़ा भारी। मुकदमा दर्ज होने से बौखलाए दबंगों ने युवती के घर को किया आग के हवाले। आग की चपेट में आने से चार गाय बुरी तरह से झुलसी, जिनमें से एक गाय व एक मासूम गाय के बछड़े की हुई मौत। कानपुर के बर्रा थाना इलाके के अम्बेडकर नगर कच्ची बस्ती की एक युवती ने इलाके के कई दबंगों के खिलाफ बर्रा थाने में बीती 24 फरवरी को छेड़छाड़ समेत अन्य धाराओं में मुकदमा लिखवाया था। मुकदमा दर्ज होने की बौखलाहट में बीती रात्रि दबंगों ने युवती के घर में आगजनी की वारदात को अंजाम दे डाला, जिससे आग की चपेट में आने से चार गायें झुलस गईं, जिसमें से दो की मौत हो गई। वहीं घर में रखा काफी सामान भी आग में जलकर खाक हो गया। वहीं पीड़ितों का कहना कि घर में आग लगी देख बुझाने का प्रयास किया तो दबंगों ने धमकियां दी। इस पूरे मामले में बर्रा थाना पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। वहीं पीड़ितों का कहना है कि पुलिस अगर समय से कार्यवाही करती तो दबंगों के हौसले बुलंद नहीं होते। क्या मामला है? मामला सर ये हमारी नंद है, हमारे घर जा रही थी एच ब्लॉक, इसको रास्ते में विकास जीजे, पिंटू ठाकुर, नंगा ठाकुर और नमन मोहित ने मिलकर छेड़ा, इसका हाथ पकड़ा। जब हाथ पकड़ा तो हमें कुछ लोगों ने जाके बताया कि तुम्हारी नंद के साथ छेड़खानी कामता वाली गली में हो रही है। हम भाग के आते हैं, अपनी नंद को छुड़ाते हैं, हमारे साथ मारपीट होती है, हम थाने जाते हैं, हमारी रिपोर्ट लिखवाते हैं। सर आइए हमारी जानकारी कीजिए। ऐसा किया जाता है, सिर्फ पिंटू को पकड़ के बैठा लिया जाता है, दो दिन थाने में रखते हैं, उसका मुँह चालिका भर के सीधे उसको छोड़ देते हैं और कहते हैं इसकी दफा 151 में जमानत हो गई। इसके बाद वो हमारे दरवाजे आता है, हमको धमकी देता है कि देख लेंगे तुझे कितनी बड़ी तू मीडियाबाज है। हम कहते हैं साहब हमने क्या मीडियाबाजी की है, हमको छोड़ो, हमको जीने दो, हमारी 2 महीने की बच्ची है, हम उसको लेके अंदर सो रहे थे, आज ऐसी आग लगाई, हमारी गाय डर पे मर गई। पुलिस से हमने चारों के नाम बताया, पुलिस एक का नाम लिख रही है और कहती हम तुम्हारे सपोर्ट। आग आप क्या किसने लगाई है? आग हमारे यहाँ पिंटू ठाकुर ने लगाई और विकास दर पे खड़ा था, विकास ने कहा था लगाओ आग और विकास को भागते हुए मैंने देखा है अपनी आँख से। उसमें कितनी गैया घायल हुई है? एक गैया तुरंत मर गई है, एक बछड़ा मर गया है, एक गैया घायल है और एक बछड़ा घायल है, एक बगल वालों की घायल है। आपने प्रशासन को फोन किया? सूचना की फोन किया, प्रशासन पे जाके बैठे रहे, हमने चारों को बताया कि सर ये चार नाम लिखी है, इन चारों को पकड़िए, वहाँ पे सिर्फ पिंटू ठाकुर का नाम ले लिया गया और पिंटू ठाकुर को बैठा लिए, बोलते हैं जाइए हम कार्रवाई कर रहे हैं, ऊपर प्रशासन तक जाएंगे। सर ये क्या होगा, हमें नहीं मिलेगा इंसाफ, हमें सब पता है, हमें कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला। विकास को पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही? विकास को पुलिस इसलिए नहीं पकड़ रही, वो कहता है पुलिस के मुखबर है, हमें पकड़वा के दिखा। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।